दे दुनिया देख रहे दर्शकों का मैं सतनाम सिंह बठोई स्वागत करता। इस विच असी झात मारांगे देश विदेश विच हो रही सरगर्मियां ते। आओ पहली खबर ते नज़र मारदे हां। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वीरवार को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन नाल दुवले संबंधा अते यूक्रेन संघर्ष समेत वख-वख विश्व मुद्दों ते गलबात की। यह बैठक राष्ट्रीय राजधानी में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक तो परे हुई। जयशंकर ने ट्वीट किया, अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन नूं मिलकर बहुत खुशी हुई है, दुवले संबंधा की समीक्षा करन अते ग्लोबल मुद्दों ते चर्चा करन दा मौका मिलिया। समझिया जांदा है कि गलबात इस विच यूक्रेन विवाद अते G20 लई भारत के एजेंडे ते चर्चा हुई है। ब्लिंकन G20 विदेश मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने बुधवार रात को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे सन। यह बैठक यूक्रेन विवाद को लेकर पछमी देशों और रूस चीन गठजोड़ विचाले तनाव के पिछोकड़ च हो रही है। ब्लिंकन के शुक्रवार को क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होने की संभावना है। G20 बैठक के पहले सैशन च शामिल होने तो बाद ब्लिंकन ने ट्वीट किया, मैं अज G20 च दो मुख्य कारण करके गया। पहला, यह यकीनी करन लई कि भारत की प्रधानगी हेठ G20 साढ़े सांझे टीचों नूं अगे वधाए, अते दूजे ये दसण लई कि अमेरिका साढ़े भाईवालां नाल मिल के दुनिया दीआं लोड़ां नूं पूरा करन लई काम कर रहा है। G20 समूह विश्व दीआं प्रमुख विकसित अते विकासशील अर्थव्यवस्थावां दा एक अंतर सरकारी फॉरम है। इस समूह विच अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनेडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज, मैक्सीको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका ते यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। स्पेसएक्स ने वीरवार को 4 पुलाड़ यात्रियों को नासा लई अंतरराष्ट्रीय पुलाड़ स्टेशन भेजा है। इन्हां विच संयुक्त अरब अमीरात का सुल्तान अल नियादी शामिल है, जो एक महीने लई ISS का दौरा करने वाला अरब संसार का पहला पुलाड़ यात्री है। एक फाल्कन राकेट अद्धी रात तो थोड़ी देर बाद पुलाड़ यात्रियों लैके कनेडी स्पेस सेंटर तो उतारा गया है। यह राकेट 6 महीने के मिशन से रवाना होया है। पुलाड़ यात्रियों पहला सोमवार को लॉन्च किया जाना सी, पर इंजन सिस्टम में खराबी कारण आखिरी समय में अजिहा नहीं हो सकया। ये पुलाड़ यात्री अक्तूबर तो अंतरराष्ट्रीय पुलाड़ स्टेशन से मौजूद जापानी चालक दल की थान लैणगे। अल्यादी तो पहला 2019 संयुक्त अरब अमीरात का पहला पुलाड़ यात्री हजा अल मनसूरी एक हफ्ते लिए पहली बार पुलाड़ स्टेशन गया सी। स्पेस स्टेशन के पंध ते पहुँचन तो बाद न्यादी ने अरबी अते फिर अंग्रेजी विच धन्नवाद प्रगट किया है। उसने कहा है कि राकेट लांच शानदार सी। न्यादी तो इलावा अंतरराष्ट्रीय पुलाड़ स्टेशन से जाने वाले होर यात्रियों च रूस के आंद्रे फैडियावे अते अमेरिका के वारेन होवर्ग अते स्टीफन गोवेन शामिल हैं। आस्ट्रेलिया विखे सिडनी शहर च वीरवार को कार अंदर बैठे एक व्यक्ति का गोली मार के कतल कर दिया गया, जबकि उसका पुत्र नेड़े बैठा होया सी। न्यू साउथ वेल्स राज की पुलिस ने एक बयान विच ये जानकारी दी है। समाचार एजेंसी शिनुआ की रिपोर्ट अनुसार पुलिस को शक है कि यह निशानाबद्ध संगठित अपराध सी। बयान अनुसार अधिकारियों नूं सवेरे गोलीबारी की सूचना दी गई अते सिडनी के पछम विच सैफ्टन विच घटना वाली थां ते बुलाया गया सी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान NSW पुलिस के डिटेक्टिव सुपरडेंट डैनी डहटी ने कहा है कि हालांकि जांच अजे भी जारी है, असी कह सकते हाँ कि पीड़ित नूं निशाना बनाया गया सी। हालांकि असी अजिहा करन पिछे इरादा जानण की कोशिश कर रहे हाँ। डॉहटी ने दसिया है कि इस कतल पिछे अतीत विच किसी भी कनैक्शन ज होर विवादा नाल लिंक होने का कोई सबूत नहीं है। जासूस सुपरडेंट ने पत्रकारों को यह भी दसिया है कि जांचकर्ता घट्टो घट्ट 2 लोगों की भाल कर रहे सन जिन्हों जिम्मेवार मानते हैं। उसने हमले में एक भयानक हिंसक कार्रवाई दसिया जो पीड़ित के 12 साल के बेटे लिए सदमा सी। उसकी ब्रीफिंग दे अनुसार कई गोलियां चलाईया गई सन अते व्यक्ति नूं उसके पुत्र के सामने गोली मार दी गई सी। जांचकर्ता जनता तो जानकारी मंग रही है, जदों कि पुलिस एक माजजा 3 की फुटेज की अपील कर रही है जिसनों अपराधियों द्वारा चलाया गया सी अते बाद विच साड़ दिता गया। आस्ट्रेलिया विखे आगामी सूबाई चोणां तो पहला
फेयरफील्ड के मेयर नू ईमेल राही जानू मारन की धमकी भेजी गई है। उसने एक फेसबुक पोस्ट विच इस संबंधी खुलासा किया। फ्रैंक कारवेल ने फेसबुक से खुलासा किया है कि फेयरफील्ड विच इस्लामिक स्टेट दियां लाड़ियां दे मुड़ मसेवे के विरुद्ध लड़न तो बाद उसनू कई बार जानू मारन दियां धमकियां भेजिया गई सन। उन्होंने लिखा है कि मैनू हाल ही विच हेठां दित्ती ईमेल समेत कई धमकियां प्राप्त हुई हैं जो कि अटकलों के कारण हो सकदियां हन कि मैं आगामी सूबाई चोणां विच उम्मीदवार बनने ते विचार कर रहा हाँ। फिलहाल मैं अजे तक चोणां लड़न का फैसला नहीं किया। कारवोन मुताबिक ये धमकियां उस लई अते उसके परिवार दोवां लई काफ़ी संघर्षपूर्ण हो सकदियां हन, पर यह साडे भाईचारे की सेवा करन वाले स्वीकारयोग विवहार नहीं है। भावें कि लोग मेरे विचारां नाल सहमत जां असहमत होण, सारे नेतावां नूं अजिहियां धमकियां की परवाह किते बिना अपने भाईचारे लिए खुल के बोलन, नुमाइंदगी करन अते लड़न दे योग होना चाहिए। उन्हें कहा कि मैं नहीं बदलांगा अते उन्हां सारे मामलों ते बोलन जारी रखांगा जो साडे भाईचारे दे हित विच हन। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत के अधिकारित दौरे पर वीरवार सवेरे नवी दिल्ली पहुंचे। पिछले 5 सालों में किसी यूरोपी देश की चोटी के नेता की यह पहली भारत यात्रा है। हवाई अड्डे से केंद्रीय सेहत राज मंत्री भारती पवार ने मेलोनी का स्वागत किया है। इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी और एक उच्च पद्धरी व्यापारक वफद भी मेलोनी नाल भारत आया है। मेलोनी वीरवार शाम तो शुरू होने वाले 8वें रायसीना डायलॉग विच मुख मेहमान अते मुख बुलारे वजों शिरकत करेगी। मेलोनी दा राष्ट्रपति भवन दा दे वेड़े विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रस्मी स्वागत किया है। अपनी भारत फेरी दौरान मेलोनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल वख-वख दोवले खेतरी अते ग्लोबल मुद्दियां ते चर्चा करेगी। वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अते विदेश मंत्री एस जे जयशंकर नाल भी मुलाकात करेगी। भारत अते इटली इस साल दोवां देशां विचाले कूटनीतिक संबंधां दी स्थापना 75 साल पूरे होण दा जश्न मना रहे हन। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि भारत अते इटली दरम्यान बहुपक्षी दुवले संबंध सांभे सभ्याचारक कदरां कीमतां आर्थिक विकास नूं उत्साहित करन दी वचनबद्धता, हरी ऊर्जा, विज्ञान अते तकनोलॉजी अते रक्षा खेत्र विच सहयोग अते खेतरी अते ग्लोबल मुद्दियां ते सांझे रख ते रुख ते आधारित हन। बयान विच कहा गया है कि दोवें देश वख-वख बहुपक्षी मंचां ते भी नेड़ियों सहयोग कर रहे ने। इटली दे विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी अते वणज मंत्री पीयूष गोयल वीरवार नूं व्यापारक गोलमेज बैठक की सह प्रधानगी करनगे। कनेडा अते अमेरिका विच बसदे प्रवासी पंजाबी जिहड़े हर साल वड्डी गिणती विच पंजाब नूं जांदे हन, उन्हां लई हवाई सफर हुण सुखाला हो जा रहा है। उन्हां लई चंगी खबर है कि इटली दी न्योस एयर 6 अप्रैल 2023 तो अमृतसर नूं कनेडा दे टोरंटो अते अमेरिका दे न्यूयॉर्क तक मिलान दे मालपेंसा हवाई अड्डे राहीं जोड़न जा रही है। अमृतसर दे श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्री हवाई अड्डे नूं न्योस एयर द्वारा टोरंटो नाल जोड़े जाण दा स्वागत किया जा रहा है। अमृतसर तो टोरंटो अते वैनकूवर लई सीधियां उड़ाना की मंग लंबे समय तो की जा रही थी, इसलिए नवी उड़ान दे शुरू होने नाल टोरंटो लई यात्रियों नूं राहत मिलेगी। गुमटाला ने पत्रकारों नूं दस्या है कि न्यूज़ एयर ने दसंबर 2022 मिलान मालपेंसा अते अमृतसर विचकार निर्धारित उड़ाना शुरू कीतियां सन। एयरलाइन ने कोविड दौरान पहली बार सितंबर 2021 इटली अते अमृतसर विचकार चार्टर सेवावां दा संचालन शुरू किया सी। नाल ही अमृतसर तो मिलान दे बरगामो अते रोम एयरपोर्ट तक स्पाइस जैट नूं भी चार्टर उड़ाना दे संचालन तो बाद पिछले साल नवंबर विच निर्धारित उड़ाना शुरू कीतियां सन। ये सन देश विदेश दीआं अहम सरगर्मियां। होर जानकारी लई देखदे रहो देश दुनिया।